हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माई चैनल मैथ्स विथ मैजिक। हम लोगों ने एक्सरसाइज 70 का, ठीक है, फर्स्ट वीडियो आपको हम दे चुके हैं कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं डेसिमल नंबर। फिर 11 टू 18 तक का भी वीडियो हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग 19 टू 22 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 19। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है इफ द स्कूल बैग ऑफ नीलम एंड गरिमा वे 6 kg 80 g एंड 5 kg 265 g रिस्पेक्टिवली। मतलब दो लड़की है जिसका नाम नीलम और गरिमा है, ठीक है, उन दोनों का स्कूल बैग, तो यानी नीलम का पहला ये क्वांटिटी दिया है, तो मीन्स पहला नाम क्या है, नीलम। नीलम के बैग का वेट ये है एंड गरिमा के बैग का वेट ये है, ठीक है। तो अब कह रहा है हुज बैग इज़ हैवियर, किसका बैग भारी है, हैवियर मीन्स क्या, भारी है, एंड बाई हाउ मच, कितना ज़्यादा। तो ध्यान से समझो, अगर ये इस तरीके से ना दिया होता, सिंपल सा क्वेश्चन होता कि एक का बैग 10 kg है, 8 kg और दूसरे का बैग 7 kg है, तो किसका ज़्यादा होता, तो पहले आप बता देते जिसका 8 kg उसका ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा, तो 8 में से 7 को क्या कर देते, माइनस कर देते, यही करते। उसी तरीके से ये है, तो लिख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, वेट ऑफ नीलम्स बैग इज इक्वल टू 6 kg 80 g, ठीक है, देन वेट ऑफ गरिमा'स बैग इज इक्वल टू 5 kg 265 g, ठीक है। तो ये बताओ किसका ज़्यादा है, 6 kg इज ग्रेटर और 5 kg इज ग्रेटर, इस पे मत जाइएगा, ठीक है। विच वन इज ग्रेटर, 6 kg इज ग्रेटर और 5 kg इज ग्रेटर, ऑफकोर्स 6 kg यानी नीलम का बैग भारी है, ठीक है, लेकिन कितना ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस, ठीक है ना, इज इक्वल टू इस वाले में से इसे माइनस कर लेंगे, 6 kg 80 g माइनस 5 kg 265 g। तो आप यहाँ पे ही कर सकते हो, 1 kg का बॉक्स बना लिया और 1 g का, तो 6 kg 80 g, देखो गलती मत करना, ये कम लगे ना तो इसे नीचे मत लिख देना, यहाँ मत लिख देना, ठीक है, और दिस वन 265 g, ठीक है ना, ऐसा मत सोचना, अरे ये 80 है तो 80 को यहाँ लिख देते और 265 को यहाँ लिख देते, ये गलती बिल्कुल मत करना। 6 kg के साथ क्या है, 80 g, तो 80 g को यहाँ, 5 kg 265 g, तो बैक से लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए डिफरेंस फाइंड कर लिया जाए, तो वी विल गेट 5 में से ये इसे देगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 बचा, 7 में से 6 गया 1, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो 9 बचा क्योंकि ये इसे दिया, ठीक है, 9 बचा, 9 में से 2 गया नॉट लिया क्योंकि यहाँ तो इसने, यहाँ पे 0 है, सॉरी यहाँ पे 0 है, 0 ने, 0 से इसने यहाँ लिया 10, 10 में से 2 गया 8, ओके, और यहाँ 5, 6 था, इसने इधर 1 दे दिया, तो यहाँ क्या बचा 5, यहाँ 5 में से 5 गया 0, मीन्स डिफरेंस क्या हो जाएगा इन दोनों का, सिर्फ 815 g, ओके, 815 g, ओके, तो कह सकते हैं हेंस वेट ऑफ नीलम्स बैग इज मोर देन 'स बैग बाय कितना, बाय 915 g, ओके। चल अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
सी व्हाट द क्वेश्चन नंबर 20 इज सेइंग. कुणाल परचेज अ नोटबुक फॉर रुपीज 19.75 रुपीज, अ पेन सिल्फ फॉर रुपीज़ 3.85 एंड अ पेन फॉर ₹8.35 फ्रॉम अ शॉप बुक शॉप. एक किताब के शॉप से कुणाल ने ये चीज़ें खरीदी, ठीक है ना. तो ही गेव अ 50 रुपी नोट टू द शॉपकीपर. अगर उसने 50 रुपीज़ का नोट दिया शॉपकीपर को, तो टेल मी व्हाट अमाउंट ही डिड ही गेट बैक. तो कितना रुपीज़ उसे वापस मिला. तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिख सकते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ पेंसिल. क्या क्या चीज़ें हैं कॉस्ट ऑफ पेंसिल, यहाँ पे सॉरी पहले नोटबुक दिया है, कोई दिक्कत नहीं अगर आपने लिख भी दिया तो. कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ₹19.75. ओके, फिर कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल है जिसका दाम दिया है ₹3.85. डन. फिर कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन है जिसका प्राइस दिया है ₹8.35. ठीक है, 8.35. तो पहले बताओ इन सबको हम टोटल कर लेंगे ना, टोटल कर सकते हैं, ऐड कर लेंगे टोटल कॉस्ट. ठीक है, टोटल कॉस्ट तो इट विल बी 5 + 5 + 5, 15 + 5 (1), 1 + 7 (8), 8 + 8 (16), 16 + 3 (19), 9 (1). 1 विल बी ट्रांसफर्ड हियर. ओके, 1 + 9 = 10, 10 + 3 = 13, 13 + 8 = 21, 21 + 1 = 2, 2 + 1 = 3. यानी अगर कुणाल इन तीन चीज़ों को ख़रीदता है तो टोटल कॉस्ट इतना हो जाता है, यानी ₹31.95 हो जाता है. ठीक है, अगर उसने फिर ₹50 का नोट उस शॉपकीपर को दिया तो वापस कितना होगा, है ना. तो क्या करेंगे, इतना रुपये का सामान होगा, चीज़ें होंगी, आर्टिकल्स होंगे, तो ₹50 में से इतना को माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बचा हुआ पैसा मिलेगा, है ना. तो अमाउंट गेट गॉट बैक इज इक्वल टू ₹50 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ₹31.95. चलिए यहाँ पे आप स्पेस है तो आप यहीं पे कर लो, ₹50, इट्स नॉट 0.50, ये ₹50, तो 50 डेसिमल नहीं था तो आपने खुद से दे दिया. ठीक है, 31.95, इट्स सब्ट्रैक्ट, ज़ीरो में से तो 5 जाएगा नहीं, 9 जाएगा नहीं, तो ये इसे 1 देगा, ये 1 इसे ट्रांसफ़र करेगा, ये 1 इसे, तो 9, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 9, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे 4, 4 में से 3 गया 1, तो ही विल गेट ₹18.05. ठीक है ना, तो लिख सकते हैं कुणाल गॉट ₹13.05 बैक. ओके, अब देखिए 21 नंबर, सुनीता परचेज 5 kg 75 g ऑफ फ्रूट. सुनीता ने इतना फ्रूट खरीदा, 3 kg 465 g ऑफ वेजिटेबल्स, इतना वेजिटेबल्स खरीदा, एंड पुट देम इन अ बैग, और उसने बैग में रख दिया. ठीक है, इफ़ द दिस बैग विद दिस कंटेंट वेट 9 kg, तो फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बैग, तो खाली बैग का क्या वेट होगा. ध्यान से समझना, कहा गया इसे फिगर से एक बार समझिएगा. ठीक है, जैसे उसने फ्रूट खरीदा तो फ्रूट का वेट था 5 kg 75 g. ध्यान से समझिएगा, ठीक है. उन्होंने वेजिटेबल खरीदा जिसका वेट था 3 kg, ओके, 465 g. डन, ध्यान से समझना. ओके,
तो ये बताओ, फ्रूट जैसे ख़रीदा तो फ्रूट का मान लीजिए फ्रूट बना लेते हैं हम लोग, चलिए आम ही बना लिया, ठीक है, और वेजिटेबल ख़रीदा, चलो पोटैटो टैटो मान लो, ठीक है। इससे इन दोनों वेट को एक बैग में डाला, ठीक है, फ्रूट को भी और वेजिटेबल को भी, ठीक है। तब यानी फ्रूट का तो हो गया भाई 5 kg 75 g, ठीक है, और प्लस वेजिटेबल डाला तो 3 kg 465 g हो गया। और लेकिन इन बैग का वेट मिला के, बैग प्लस दिस यानी बैग प्लस फ्रूट प्लस वेजिटेबल सारे मिलाकर 9 kg के हो गए, ठीक है ना। तीनों मिलाकर यानी बैग भी प्लस फ्रूट भी प्लस वेजिटेबल भी तीनों मिला करके 9 kg का हो गया। तो बताओ सिर्फ बैग का वेट क्या है, ठीक है ना, सिर्फ बैग का वेट क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ फ्रूट वेट ऑफ वेजिटेबल ऐड कर लेंगे, उसे फिर 9 kg यानी टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इज इट क्लियर। ये जो 9 kg है बैग का वेट प्लस फ्रूट का वेट प्लस वेजिटेबल का वेट मिलाकर 9 kg दिया है, तो सिर्फ बैग का वेट क्या होगा ये फाइंड करना है। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे और उसे फिर 9 kg में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो लिख सकते हैं हम लोग कि वेट ऑफ फ्रूट, देखो लिख सकते हैं वेट ऑफ फ्रूट्स 1 kg 1 g है, 1 kg का कॉलम बनाओ 1 g का, तो 5 kg 75 g, ठीक है। नाउ वेट ऑफ वेजिटेबल्स इज इक्वल टू 3 kg 465 g, तो क्या हम ऐड कर सकते हैं टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ किसका, ऑफ फ्रूट प्लस वेजिटेबल, वी फॉर फ्रूट, एफ फॉर फ्रूट, वी फॉर वेजिटेबल। नाउ 5 + 5 = 10 इन हैंड 1, 1 + 6 = 7, 7 + 7 = 14 इन हैंड 1, 1 + 4 = 5, ओके, एंड दिस 8, यानी टोटल वेट क्या हो गया 8 kg 540 g, ओके। नाउ वेट ऑफ बैग, बैग का वेट क्या होगा, तो 9 kg में से कैन वी सब्ट्रैक्ट दिस 8 kg 540 g, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 9 kg रखा, रफ यहाँ पे कर सकते 1 g का, तो ग्राम में तो कुछ नहीं है, सिर्फ 9 kg था, तो ग्राम में अपने से ज़ीरो पुट कर दिया, 8 kg 540 g, ठीक है, चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये इससे देगा 1, ये इससे, तो 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे 10 में से 5 = 4 गया, ये तो इसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा 8, 8 में से 8 गया 0, ठीक है। तो वी विल गेट 460 g, मीन्स अगर खाली बैग होगा तो द वेट ऑफ एन एम्प्टी बैग इज इक्वल टू 460 g, ओके। एंड द नाउ विल गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर, ओके, दैट इज 22 नंबर सी। द डिस्टेंस बिटवीन रीताज हाउस एंड हर ऑफिस इज 14 किलोमीटर, कह रहा है रीता के घर से उसकी ऑफिस का डिस्टेंस जो है 14 किलोमीटर है। शी कवर्स 10 किलोमीटर 65 मीटर बाय स्कूटर, अगर वो स्कूटर से इतना डिस्टेंस कवर करती है और इतना डिस्टेंस 3 किलोमीटर 75 मीटर बाय बस से इतना करती है, तो बताइए कि जो बच गया वो फिर रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस वो फुट से कवर करती है यानी पैदल चल के। तो हाउ मच डिस्टेंस डज शी कवर बाय वॉकिंग, तो चल के वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। समझिएगा, जैसे रीता का ये घर है, ठीक है, और यहाँ पे उसका ऑफिस है, दिस इज घर, होम, हाउस कह सकते हो, एंड दिस इज ऑफिस, ओके।
तो ये टोटल डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन रीताज हाउस एंड हर ऑफिस इज 14, मीन्स दिस टोटल डिस्टेंस इज 14 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस इज 14 किलोमीटर. ओके, शी कवर्स 10 किलोमीटर 65 मीटर बाय स्कूटर. अगर मान लो वो पहले इतना डिस्टेंस स्कूटर से कवर करती है, स्कूटर से 3 किलोमीटर 75 मीटर कवर करती है, ठीक है. फिर यहाँ से यहाँ उसने क्या ले लिया, बस ले लिया. बस से वो 3 किलोमीटर 75 मीटर चलती है, सॉरी ये 65 था, मीटर चलती है. फिर वो रेस्ट उसने पैदल तय किया, तो पैदल कितना तय किया, 14 किलोमीटर टोटल था, तो इतना उसने स्कूटर से किया, इतना उसने बस से डिस्टेंस कवर किया, और फिर जो बच गया वो ऑफिस से कवर, सॉरी फुट से कवर किया. तो फुट से बचा हुआ कितना डिस्टेंस कवर करा, तो क्या करेंगे, वी विल ऐड द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बस. ओके, एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 14 टोटल डिस्टेंस. तो कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड, आई हैव रिटन DIS फॉर डिस्टेंस, ओके ना, कवर्ड बाय स्कूटर इज 10, यहाँ पे किलोमीटर का बना दीजिए, यहाँ पे मीटर का 65 मीटर, डन. फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर 75 मीटर, ठीक है. तो टोटल डिस्टेंस जो है ना, टोटल डिस्टेंस इन दोनों के थ्रू कितना हुआ, तो विल ऐड दिस टोटल डिस्टेंस किसका, स्कूटर, एस फॉर स्कूटर प्लस बी फॉर बस. तो वी विल आफ्टर एडिंग दिस विल गेट 10, 5 प्लस 5 10 इन हैंड 1 प्लस 6 प्लस 7 14 का 4 इन हैंड 1, तो 1 लिख देंगे क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर है ना, इसलिए यहाँ पे ये लिख देंगे. हाँ, फिर इन दोनों को ऐड किया तो विल गेट 13, मीन्स 13 किलोमीटर 140 मीटर डिस्टेंस जो है अभी तक बस और स्कूटर से कवर हो चुका, ठीक है. तो अब इसमें से टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस हमारा क्या था, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हाउस होम टू ऑफिस क्या था हमारा, किलोमीटर में 14 किलोमीटर था और मीटर में तो कुछ नहीं था, ठीक है. टोटल डिस्टेंस इतना, उसमें से अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बस एंड स्कूटर माइनस कर दिया जाए तो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर, एज फॉर स्कूटर लिख दो, पूरा ही लिख दो, एंड बस इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर हो चुका था, 13 किलोमीटर 140 मीटर. तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट मिल जाएगा ना, डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट, यानी ज़ीरो में से ज़ीरो गया ज़ीरो, यहाँ से तो अब फोर जा नहीं सकता, ये इसे देगा, ये इसे देगा. 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 7, 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 3, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0. मीन्स यानी रीता जो थी उसने पैदल कितना डिस्टेंस कवर किया, 860 मीटर, ठीक है ना, लेस देन 1 किलोमीटर. तो कह सकते हैं कि हेंस द डिस्टेंस covered by Rita on foot is 860 meter. Okay, this is the final. आई होप आपको ये बिल्कुल वीडियो समझ आ गई होगी, और आगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स ऑल्सो. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.